मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल, कच्चे नारियल का दूध। बहुत उपयोगी होता है वो दूध, उससे पनीर बनता है, पनीर तो नहीं, उससे क्रीम बनता है और नारियल का बुरादा जो अपन खरीद पिलाते वो बनता है। चलिए, और बहुत पौष्टिक होता है ये दूध। इस दूध की पौष्टिकता को और बढ़ाने के लिए चिली सिया चीज वगैरह डाल के इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। चलिए हम इसका नारियल का दूध बना के आपको दिखाते हैं और उसमें कैसे बनता है और कितना इंग्रेडिएंट्स लगता है। नारियल, कच्चे नारियल को हमने तोड़ के और इसका छिलका निकाल के रखा है। ये छिलका है, इसको हम निकाल के आपको बताते हैं। छिलनी से ऐसे पील कर देंगे तो निकल जाता है। चल गया। अब इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है और ये 1.5 कप है, ऐसे बारीक बारीक इसको काट लेंगे और इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका दूध बनाएंगे। हमने बारीक बारीक काट लिया है और काट के फिर इसमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और इसमें हम अभी आधा ग्लास पानी डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी और डालेंगे और हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसे बर्तन रखे हैं और इसे ये स्ट्रेनर है और इसमें हम मलमल का कपड़ा डाल देंगे, धोती का है ये, डाल के और उसको हम अच्छे से छानेंगे। पूरा डाल दिए। ये इसको दबा दबा के निकालेंगे। ये देखिए, इतना गाढ़ा दूध बन के तैयार हो गया। ये एक बार और एक ग्लास आधा ग्लास पानी में डाल के और आधा ग्लास पानी डाल के एक बार और हम ज्यादा नहीं आधा ही ग्लास पानी हम डालेंगे इसमें और फिर से हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको खूब अच्छे से निचोड़ना है, एकदम सूखे सूखा हो जाए। दोस्तों, मेरा एक नारियल में इतना मिल्क निकल गया है, आपको दिखाती हूँ ग्लास में डाल के, और बहुत गाढ़ा बना है। मैंने दो बार ही इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसा है और तीसरी बार हमने नहीं पीसा। देखिए, बहुत अच्छा दूध बन के तैयार हो गया। इसके इस दूध से बहुत पौष्टिक चीज़ें बनती है। इसको भी मैं बना के दिखाऊंगी। अभी मैं फ्रीजर में रखूंगी इसको, फ्रिज में, और फिर इसका मैं बना के आपको और भी इसमें क्या क्या बन सकता है, कितना पौष्टिकता रहती है इसमें, सब आपको बताऊंगी। अब आप बनाइए, खाइए और मून्स किचन में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।